डियर फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग हैं गंगा घाट के पास, जो कि बहुत बार गंगा घाट घूमे तो हैं बट उस पार कभी नहीं गए हैं, गंगा के उस पार। तो अभी हम लोग चलेंगे उस पार और आपको अभी हम लोग दिखा सकते हैं। अभी नाव पे हैं जिसका कॉस्ट 50 रुपया पर हेड लगा है, जिसमें कि हम लोग चलेंगे उस पार और आपको दिखाने का भी काम किया जाएगा उस पार क्या क्या चीजें हैं। सब्जी उब्जी होना चाहिए, मछली उछली भी होना चाहिए, मछली पालन वगैरह पालन नहीं मतलब दिखना चाहिए थोड़ा बहुत। उधर क्या चीज़ें होती है वो आपको दिखाएंगे, बट अभी हम लोग नाव पे हैं और क्या ही दिखाएं, इधर गंगा घाट है, चलिए दिखाते हैं और घूमते हैं। सो फ्रेंड्स, इधर देखिए हम लोग बैठे हुए हैं और अभी उस पार जाने का तैयारी हो रहा है। इधर देख सकते हैं नाव खुल चुका है अपने गंतव्य स्थान से और पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। गंगा नदी के स्तर काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़ा है, अभी थोड़ा बहुत बढ़ा है। इस साइड देख सकते हैं अक्सर इतना ज़्यादा रहता नहीं है नॉर्मल दिनों में। और इधर साइड कुछ कुछ लोग हैं और ये बड़का पुल है, बड़का पुल से हम लोग अभी यहाँ से मतलब अभी खुल रहा है, देख सकते हैं, ज़्यादा क्या ही बोले। इधर देखिए चालू होगा मशीन, यात्रा प्रारंभ हो चुका है दोस्तों और हम लोग चल रहे हैं घूमने के लिए। धीरे धीरे जा रहे हैं आगे और अभी आगे क्या होता है, कुछ लोग मिलते हैं, क्या होता है वो चीज़ आपको दिखाते हैं। कुछ लोग लगता है आगे चढ़ने वाले हैं इस साइड से, इधर वेट कर रहे हैं। गंगा का उफान भाई, गंगा देखना, ऐसे करके मेरा भी वीडियो बना देगा कि सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पार हो चुके हैं गंगा नदी के और उस पार क्या चीजें मिलती है, घास फूस तो दिखने लगी है और भी क्या क्या चीजें दिखती है आपको दिखाते हैं और ले चलते हैं। इधर से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस साइड, हम लोग गंगा के उस पार से इस पार आ गए हैं, जहाँ का वीडियो आपको देख रहे हैं हम लोग गंगा के इस पार है और इस पार पहुँच गए हैं। इधर गाय भैंस कैसे चल रहा है वो? सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं गंगा नदी के उस पार से, मतलब इस पार से इस पार, तो इस पार हम लोग हैं। तो चलिए आपको यहाँ का इस पार की चीजें दिखाते हैं। सो देख सकते हैं, अबे आज आप घूम ले, जाते वक्त खिंचाना फोटो। सो वी आर गोइंग टू इस पार। इधर साइड देख सकते हैं फ्रेंड्स, सब्जी वगैरह उगाया जाता है, सब्जी की खेती वगैरह होती है और इधर साइड कुछ लोग भी रहते हैं, इधर पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस पार आपको दिखाने का के लिए तो आए हैं सब्जी वगैरह, लेकिन क्या क्या चीज़ें की सब्जी है आई डोंट नो। तगड़ा तो आ रहा है भाई, पटा ले रे दोस्तों, ये पता चल चुका हमको परवल का खेत है। ये देखिए परवल, नदी गंगा किनारे हो जाता है तो गंगा नदी के तट पे ही है। इधर देख सकते हैं परवल का बहुत बड़ा खेत है, जिधर साइड परवल रोपा और उपजाया जाता है और इधर साइड कुछ कुटिया भी है, छोटे छोटे घर जिसमें लोग रहते हैं एंड आगे गाय पालन भी होता है। इधर साइड आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स,
गाय भैंस भी है, मतलब इधर साइड लोग रहते हैं और इधर साइड देखिए लोग बच्चे हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा नाव जाने के लिए तैयार है और हम लोग भी जाने के लिए तैयार हैं, तो हम लोग अब उस पार चलते हैं और क्या, और थोड़ा गंगा नदी का आपको शॉर्ट्स दिखा देंगे और रील्स भी बना लेंगे इस साइड से। लेट्स गो एंड वॉच। सो फ्रेंड्स, हम लोग का नाव यहाँ से खुल चुका है और हम लोग इधर ये दोनों लड़का से फोटो सेल्फी लेने, इधर सूरज को फोटो लेना खतरनाक रहेगा, नदी में उसका शैडो बनेगा। तो इधर साइड देख सकते हैं सन है और सन में शैडो बना हुआ है। सो अब हमारा नाव खुल चुका है यहाँ से तैयार और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं उस जहाँ पे हम लोग चलेंगे। सो लेट्स गो वॉच एंड वॉच एंड वॉच। फाइनली गाइज, वी आर अनदर साइड ऑफ गंगा रिवर। बहुत ही जल्दी उस पार से इस पार आ गए हैं और तुम सेल्फी लेना बंद कर दो। ये देखिए हम लोग गंगा नदी के किनारों पे।